आज मैं आलू की बहुत ही टेस्टी और मजेदार रेसिपी लेकर आई हूँ। आलू की इस रेसिपी को बनाना बहुत ही आसान है। आज की रेसिपी का नाम है धनिया के आलू। धनिया के आलू कानपुर का बहुत ही फेमस स्ट्रीट चाट फूड है और यकीन मानिए अगर आप इसे एक बार बनाएंगे तो आपका बार बार बनाने का मन करेगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू तृप्ति किचन कॉर्नर। मैं हूँ तृप्ति। रेसिपी देखने के साथ साथ प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आने वाली नई रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस रेसिपी को देखते हैं। धनिया के आलू बनाने के लिए सबसे पहले धनिया की चटनी बनाएंगे। कहने को तो ये धनिया की चटनी है बट इसका मेन इंग्रेडिएंट धनिया के साथ साथ खट्टी पालक भी है। ये देखिए, खट्टी पालक देखने में कुछ इस तरह की होती है। ये देखिए, छोटी छोटी सी लीव्स होती है इनकी। मैंने पालक को तोड़ के वॉश कर लिया है 3 से 4 पानी में और धनिया को भी अच्छे से 3 से 4 पानी में वॉश कर लिया है। दोनों की क्वांटिटी इक्वल होनी चाहिए। साथ में चटनी में हम आलू डालेंगे। ये 2 उबले आलू हैं। आलू डालने से टेक्सचर थोड़ा सा क्रीमी आता है और साथ में 4 हरी मिर्च है। आप तीखा अपने अकॉर्डिंग कम या ज्यादा कर सकते हैं। 2 से 3 नींबू है। खट्टा भी आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज्यादा कर सकते हैं। थोड़ी सी अदरक और साथ में काला नमक डालेंगे और सफेद नमक। चलिए फिर जल्दी से इसकी चटनी बनाते हैं। जार में खट्टी पालक डालेंगे। अगर आपका जार छोटा है तो आप थोड़ा थोड़ा करके पीसिए, खट्टे मत पीसिए। हरी धनिया, हरी मिर्च, अदरक और उबले आलू, काला नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग और थोड़ा सा सफेद नमक। नमक स्वाद अनुसार ही डालिएगा। अब इसकी जल्दी से चटनी बना लेते हैं। ये देखिए, चटनी बन के रेडी है। ये देखिए कितनी बढ़िया सी चटनी बनी है। आलू डालने से देखिए कितना अच्छा क्रीमी टेक्सचर आया है इसमें। अब ये चटनी इन उबले आलू में डाल देंगे और मैंने इनको बॉईल करके छील लिया था और को क्यूब्स में काट लिया था। ये देखिए, छोटे छोटे टुकड़े में काट लिया था। अब अपने अकॉर्डिंग छोटा बड़ा जैसा साइज रखना आप कर सकते हैं। अब इसमें ये चटनी डाल देंगे, इसे मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे क्योंकि नमक तो पहले डाला था पर थोड़ा नमक अभी और पड़ेगा। थोड़ा सा सफेद नमक भी डाल देंगे। नींबू डालेंगे इसमें। मैं पहले 1 नींबू डालूंगी, इसके बाद टेस्ट करके देखूंगी फिर और नींबू डालूंगी। फिर से इसको मिक्स कर लेंगे। अगर चटनी कम लग रही है तो आप चटनी और ऐड कर दें। अच्छे से मिक्स हो गया है। आप नमक और नींबू अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लीजिए क्योंकि धनिया के आलू थोड़े से खट्टे ही अच्छे लगते हैं तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा कर सकते हैं। ये देखिए, धनिया के आलू बन के तैयार हो गए हैं। बढ़िया मस्त सी चटपटी सी चाट, कानपुर के फेमस धनिया के आलू। टेस्ट में तो बहुत ही जबरदस्त होती है। मैं तो इसे जल्दी से सर्व करती हूँ और इंजॉय करती हूँ। आप भी बनाइए और इंजॉय करिए। ये देखिए कितनी मजेदार से धनिया के आलू बन के रेडी हुए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई रेसिपी।